सर, आज का इवेंट आपका है, तो सर आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो ये लगा कि एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग आए हुए हैं और एक से एक मॉडल आए हुए हैं। अब ये देखना है कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या हाइट पर्सनैलिटी है। अब वो तो जजेस ही बताएंगे कि कौन गुड लुकिंग है, किसकी वॉक अच्छी है, किसका टॉक अच्छा है। और बस मुझे तो ये है कि इलाहाबाद से जितने भी कंटेस्टेंट सेलेक्ट होते हैं उनको फर्स्ट ऑफ की फिनाले में एंट्री होने के बाद पूरी भाई के सामने जब परफॉर्म करेंगे तो अपने आप में ही एक्साइटेड हो जाएंगे। अब जो भी है थोड़ा सा भी हमारे मित्र हैं जतिन जी बताएंगे। आज की मैनेजमेंट आके तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और क्या क्या मैनेजमेंट? बस बरसात की थी सुबह। ओके सर, बरसात ना हो जाए इवेंट खराब हो जाएगा हमारा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेन्यू बहुत अच्छा है, जैसा सर वेन्यू बहुत ही क्लासी है जैसा कि मैंने अभी विजिट किया है। और पार्टिसिपेंट एकदम नया बना हुआ है। हाँ जी सर, जिसको बहुत पसंद आएगा, पार्टिसिपेंट्स को बहुत पसंद आएगा, जितने पार्टिसिपेंट्स के फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा सर। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ श्वेतांग प्रकाश चतुर्वेदी, मिस्टर यूपी 2017। आज मैं आया हूँ प्रयागराज की सिटी में, जहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है मिस्टर एंड मिस यूपी इलाहाबाद का ऑडिशन हो रहा है। मिस्टर मिस यूपी एक हमारा कॉन्टेस्ट है, उसमें इलाहाबाद ऑडिशन जिसे ऑर्गेनाइज किया है मैक्स ग्रुप और इंस्टीट्यूट ने, एंड सपोर्टेड बाय है मैक्स, आनंद जी हैं हमारे और मयूरी जी हैं, प्रिया जी के थ्रू ये हो रहा है। और एक ये सक्सेसफुल इवेंट रहा है। मैं अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है शो के लिए, मैं देख रहा हूँ कंटेस्टेंट बहुत सारे खड़े हैं, मुझे जाना है ऑडिशन के लिए। एंड मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं वो टाइम आ गया है कि जो प्रयागराज है वो रेडी हो रहा है, अपने आप को रेडी कर रहा है मुंबई जैसी सिटी के लिए। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज एंड गॉड ब्लेस यू। और मैं चाहूँगा कि प्रयागराज सिटी से बहुत अच्छे अच्छे मॉडल सेलेक्ट होकर हमारे फिनाले में आए, जो हमारे लखनऊ में होने वाला है मिस्टर एंड मिस यूपी 2K19। थैंक यू सो मच गाइज। संजय सिंह, उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एकेडमी डायरेक्टर। आज मिस एंड मिस्टर यूपी का प्रयागराज में बहुत खूबसूरत ऑडिशन हुआ, जिसको मैक्स ग्रुप, प्रिया, मयूरी जी की मेहनत से काफ़ी कंटेस्टेंट यहाँ आए, इन्होंने काफ़ी मेहनत की। और इसका फिनाले लखनऊ में होगा अक्टूबर लास्ट वीक में। यहाँ से काफ़ी बच्चे, टैलेंटेड बच्चे मिले जिन्हें जज करने का मौका मिला। और उम्मीद रहे जज में साथ में हमारे श्वेतांग चतुर्वेदी, मिस्टर यूपी एंड श्वेता फैशन डिज़ाइनर फंक्शन को जज कर रही थी। और आशा है कि आगे भी ऐसे फंक्शन में हमें जज करने के लिए मैक्स ग्रुप इनवाइट करता रहेगा। थैंक यू मैक्स ग्रुप एंड थैंक्स फॉर प्रयागराज। हेलो, माय नेम इज़ मीमांशु चतुर्वेदी एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम इलाहाबाद। I am pursuing mass communication from Schwarzenegger, India, and my hobbies are acting, drama, dance, and sometimes I do arts. Thank you. I find it basically I'm here because I want to experience these things. When I like, if I step into modeling, then I have to like when I have to face the person, the judges in front. So I want to do in front of them. So basically, I'm over here for that, and I think that. This is my first step. Maybe I can achieve a victory in it, or whatever it. If I'll be a runner-up or just a participant over here, it will matter. क्या जीत मायने रखती है? Not every time. I guess experience matters most. तो जो हमारे जूरीज हैं ग्रैंड फिनाले की, उनके सामने परफॉर्म करके आपको कैसा लगेगा? Of course, I'll be obliged, like, because they are on a they are on a peak of their successes, and I have to perform in front of them, and I'll feel